नमस्कार, मम्मी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम मेथी के पराठे बनाने चल रहे हैं। एकदम फ्रेश मेथी हमने लिया है, इसको धुल के हम काट लेते हैं। ये मेथी हमने धुल के काट लिया है, देखिए इस तरह इतनी महीन है। डंठल सब निकाल दिया है, केवल पत्ती पत्ती चुन के इसको हमने काटा है और अच्छे से दो तीन पानी धुल लिया है। ये मेरा 250 ग्राम मेथी है। अब हम आटा गूंद लेते हैं। 250 ग्राम मेथी के लिए ये एक बड़ा कटोरा हमने आटा लिया है। इसको थाली में डाल लेते हैं। इसमें हल्का सा नमक डालेंगे, बहुत हल्का, क्योंकि सब्जी के साथ खाना होगा इसको। इसमें थोड़ी सी पीसी लाल मिर्च डाल देते हैं। इसमें 2 चम्मच के लगभग तेल डालते हैं। इसमें देखिए आधा चम्मच के करीब है अजवाइन। इसको हाथ से मल के, ऐसे ऐसे करके हाथ से मल के इसको इसी में डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। सब जो इसमें मोयन डाला है, नमक, अजवाइन, सब अच्छे से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंद लेंगे। मेथी डालना हम भूल गए थे, इसलिए इस आटे में ये पूरी मेथी हमको डाल के तब आटा गूंदना होगा। ये आटा मेरा देखिए गूंद के तैयार हो गया है। अब इसको हम ढक के रख देते हैं और सब्जी बनाते हैं। यह आटा मेरा तैयार हो गया, देखिए खूब अच्छे से फूल गया है। अब इसको हम चल रहे हैं पराठा सेकने। अब हम लोई बना लेते हैं। ज़्यादा बड़ी लोई नहीं काटना है। और हमने कच्ची मेथी जो डाला है आटे में, कच्ची मेथी का पराठा बहुत क्रिस्पी बनता है, इसलिए हमने कच्ची मेथी डाली है। इसको ऐसे ऐसे थोड़ा से हाथ से बढ़ा लेते हैं और फिर हल्के हाथ से बेलना होगा, क्योंकि साग पड़ा हुआ है, थोड़ी देर में बहुत मुलायम आटा हो जाता है। देखिए ये पराठा मेरा बेल के तैयार हो गया है। अब इसको हम सेक लेते हैं। देखिए हमारा पराठा पकने लगा है, हमने पलट दिया है। अब जब इसी तरह दूसरी तरफ भी हो जाएगा तब फिर दोनों तरफ तेल लगाएंगे। ये हमारा पराठा दोनों तरफ से हो गया है। अब इसमें हम तेल लगा के अच्छे से लाल लाल तल ले सेक लेते हैं। देखिए पराठा खूब बढ़िया लाल लाल हो गया है। देखिए दोनों तरफ से खूब अच्छे से पक गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए मेथी के पराठे और सब्जी मेरी बन के तैयार हो गई। बहुत ही टेस्टी सब्जी और पराठा बना हुआ। पराठा बहुत क्रिस्पी है कच्ची मेथी डालने के कारण। इसको एक बार जरूर बना के खाइएगा। और मेरा अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।